कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमें वेट लॉस के लिए कुछ बड़ी ही चीज करनी है, एक प्रॉपर डाइट प्लान ही फॉलो करना है, एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान ही फॉलो करना है, बट ऐसा नहीं है। अगर हेलो एवरीवन, मैं वर्षा गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के एक टॉपिक मैं ऐसा लेके आई हूँ जिसके बारे में मुझे बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि यार कुछ ऐसा बता कि हम बिना एक्सरसाइज करें अपना वेट लॉस कर लें। वैसे तो एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, बट फिर भी क्या होता है कि हम लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होती है। अगर आप वर्किंग है और आपकी 9 to 9 जॉब होती है तो आप लोगों को टाइम नहीं मिल पाता वर्कआउट करने का या एक्सरसाइज करने का। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जिससे आप बिना एक्सरसाइज करे भी अपना अच्छा खासा वेट लॉस कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है माइंडफुल ईटिंग। जब भी आप अपना खाना खाने बैठते हैं तो उसको माइंडफुली खाइए। कम खाना खाना है आपको, पोषण कंट्रोल में खाना है, बहुत एक्सेस में खाना नहीं खाना है। आप जब अपना पेट एकदम फुल फील करते हैं उससे पहले ही आपको खाना खाना छोड़ देना है। एकदम आपको इतना नहीं खाना कि एकदम आपको बहुत हैवी फील हो खाना खाने के बाद। तो ये इसका सबसे अच्छा हैक यही है कि आप अपनी प्लेट में थोड़ा थोड़ा खाना लेके बैठें, सभी मैक्रोस को इक्वली अपनी प्लेट में रखें। लाइक थोड़े से राइस ले लिया आपने, थोड़ी सी सब्जी ले ली, थोड़ी सी दाल ले ली, एंड थोड़ा सा आपने उसमें प्रोटीन ले लिया, एंड थोड़ा सा आपने उसमें फाइबर इंक्लूड कर लिया। तो पोषण कंट्रोल में खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप अपने वेट लॉस में होते हैं। पोषण कंट्रोल आपको डेफिसिट में रखता है, डेफिसिट ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें आता है वो आता है मैनेज योर स्लीप एंड स्ट्रेस। आपको अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है, अगर आपकी वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है, या आप कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो आप अपनी स्लीप पे ध्यान दीजिए। 7 to 8 आवर्स की स्लीप मस्ट है होती है। आपको एक साउंड स्लीप लेनी है, अच्छी नींद लेनी है। आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आपको नींद की वजह से आलस आ रहा है, क्योंकि जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हमारे हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं जो कि हमारी क्रेविंग्स को बढ़ाते हैं। और जो स्ट्रेस होता है उसको भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये देखना है कि आपको क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है। अपने वो रीजंस को जानिए एंड अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम कीजिए। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे एंड आपकी क्रेविंग्स बढ़ेंगी। तो आपको जब भी स्ट्रेस होता है तो ट्राई टू अवॉइड ईटिंग इन दैट सिचुएशन। अपना ध्यान जो है स्ट्रेस से डाइवर्ट कीजिए। आप कोई भी आप अपना फेवरेट गेम खेल सकते हैं या कोई भी ऐसा फेवरेट काम जो आपको करना पसंद है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कंट्रोल योर क्रेविंग्स। हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट फूड होता है। किसी को मीठा खाना ज्यादा पसंद होता है, किसी को नमकीन खाना ज्यादा पसंद होता है, किसी को चटपटा ज्यादा खाना पसंद होता है। तो जो आपकी क्रेविंग्स हैं उसको हमें ओवर नहीं होने देना है, कंट्रोल करना है उसको। बेसिकली सबसे पहले तो आपको 80-20 का रूल फॉलो करना है कि 80% आपको न्यूट्रिशियस फूड खाना है एंड 20% आप वंस इन अ व्हाइल अपना फेवरेट फूड खा सकते हैं। तो आपकी जो क्रेविंग्स हैं उनको ओवरबोर्ड नहीं करना है। आपको एक टाइम फिक्स करके रखना है, डेज का टाइम फिक्स करके रखना है कि आपको अपने माइंड को ये समझाना है कि मुझे हफ्ते में एक दिन ही और एक ही मील में थोड़े से पोर्शन में हमें अपनी उस फेवरेट मील को लेना है। डेली बेसिस पे आपको अपनी फेवरेट चीज को नहीं खाना है, क्योंकि जो चीज हमारी फेवरेट होती है अक्सर देखा गया है कि हम उसको बहुत ज्यादा खा लेते हैं। दिन में आपको कब क्रेविंग हो रही है, अपना वो ट्रिगर पॉइंट या ट्रिगर टाइम जो होता है जिस टाइम आपको क्रेविंग सबसे ज्यादा हो रही है उस चीज का ध्यान रखना है। फॉर से अगर आपको सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और लंच से पहले का जो बीच का टाइम होता है यूजुअली ज्यादा देखा गया लोगों को उस टाइम पे क्रेविंग्स होती है, या शाम के टाइम होती है जब टी टाइम होता है हमारा, तो उस टाइम पे क्रेविंग्स ज्यादा होती है। तो जो आपका वो टाइम है ट्रिगर टाइम है उस टाइम देखिए आपको कब क्रेविंग हो रही है। उस टाइम पे ज्यादातर चांसेस होते हैं कि हम जो भी हमारे सामने होता है हम उसको खा लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उस टाइम पे कोई भी हेल्दी मील या हेल्दी स्नैक पिक करनी है। लाइक आप मखाने पिक कर सकते हैं, नमकीन की जगह आप मखाने खा सकते हैं, मखाने को थोड़ा सा रोस्ट करके खा सकते हैं। एटलीस्ट वो हाई कैलोरी नमकीन से बेटर ही होंगे। अगर आपका मीठा खाने का मन कर रहा है तो कोई भी स्वीट्स खाने की जगह आप कोई फ्रूट पिक करके खा सकते हैं। तो इसी तरह से आपको न्यूट्रिशियस फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। अपनी क्रेविंग्स के टाइम पे आपको कोई भी ऐसी पैकेट वाली चीज़ें नहीं खानी है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी ना हो। अनदर जो पॉइंट आता है वो आता है ट्राई टू फोकस ऑन ईटिंग हाई डेंसिटी फूड्स रादर देन ईटिंग हाई कैलोरी फूड्स। इसका क्या मतलब होता है, कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कैलोरीज में, जिसमें आते हैं नट्स। नट्स को देखा गया है हम बहुत ज़्यादा खाते हैं ये सोच के कि वो हेल्दी हैं। हाई कैलोरी फूड्स में आते हैं ड्राई फ्रूट्स हो गए, पीनट बटर हो गया,
एंड आपका देसी घी हो गया, लोग यूजुअली इनको बहुत ज़्यादा हेल्दी समझकर इनको ओवर ईट कर जाते हैं, बट ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं कैलोरीज में, ऑटोमेटिकली आपको डेफिसिट से बाहर ले जाती हैं जिससे आपका वेट गेन होता है। तो आपको इन सब चीज़ों को बहुत लिमिट में खाना चाहिए एंड हाई डेंसिटी फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आपके वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में बहुत अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड बहुत फुल आपको रखेंगे वो। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो आती है आपका वाटर इंटेक। हमें अपने वाटर इंटेक पे बहुत ध्यान देना है। जब हम बिजी होते हैं तो ऐसा देखा गया है कि हम पानी पीना भूल जाते हैं, हमारा ध्यान नहीं जाता, हमें प्यास लग रही होती है फिर भी हम अवॉइड करते हैं कि हम बिजी हैं, अभी थोड़ी देर में पियेंगे, थोड़ी देर में पियेंगे। तो ट्राई टू कीप अ वन वाटर बॉटल विद यू, अपने साथ एक वाटर बॉटल को रखिए हमेशा। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो पानी को हमेशा अपने साथ रखिए, पानी पीते रहिए थोड़ा थोड़ा हर वक्त। पानी पीने से आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो भी कंट्रोल होंगी एंड आपको अननेसेसरी भूख भी नहीं लगेगी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कोई प्रॉपर प्लान वर्कआउट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट ट्राई टू स्टे एक्टिव थ्रू आउट द डे। आप पूरा दिन एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए। अगर आपका कोई फोन कॉल आ जाता है तो आप उसको बैठे बैठे अटेंड ना कर कर वॉक करते करते अपनी कॉल को अटेंड कीजिए। घर में या ऑफिस में लिफ्ट्स हैं तो आप लिफ्ट का यूज ना करके स्टेयर्स का यूज कीजिए। ये छोटी छोटी ही चीजें हमें बहुत हेल्प करती हैं हमारी कैलोरीज बर्न करने में, हमें एक्टिव रहने में। तो बेसिकली आपको एक ही जगह पे बहुत देर तक बैठे नहीं रहना है, मूव करते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में। तो ये सब चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी आपका वेट लॉस करने में। अगर हम इन सभी छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देना शुरू करेंगे, बेसिकली ये छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जिन पे हमें वर्क करना होता है, अगर हम इन पे वर्क करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपको वेट लॉस होगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमें वेट लॉस के लिए कुछ बड़ी ही चीज करनी है, एक प्रॉपर डाइट प्लान ही फॉलो करना है, एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान ही फॉलो करना है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप डेली रूटीन की जो छोटी छोटी चीजें हैं उन पे फोकस करेंगे, जो मैंने अभी आपको बातें बताई हैं, इन हैबिट्स पे वर्क करेंगे तो आपका वेट लॉस होगा। इन सब हैबिट्स पे वर्क करके भी हम अपना अच्छा खासा वेट लॉस कर सकते हैं, अपने वेट लॉस गोल्स को अचीव कर सकते हैं। बेसिकली वेट लॉस एक लाइफस्टाइल चेंज है। अगर हम इन सब छोटी छोटी चीजों को डेली बेसिस पे चेंज करेंगे तो वेट लॉस अपने आप होता चला जाएगा। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।